वेलकम बैक टू लजीज पकवान स्नोबर लैकेट के साथ. अभी अभी अहमद साहब से बात हो रही थी, वो अंडों का थोड़ा सा हलवा मिस कर गए थे, तो अगर वो लाइन पे हैं तो मैं इनको बता रही थी. जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब आपने चीनी डाली इसके अंदर, अंडे डालने के बाद चीनी डालें, अब इसको खूब भूने. जी बिल्कुल. भूनने के बाद जब आप देखेंगे कि ये एक किस्म का गोल सा, मतलब उसने चम्मच ने भी उसको छोड़ दिया है और घी भी छूट गया है, और अब आप उसको देखेंगे, उसके जब खूब भून लिया आपने उसको, तो उसके अंदर अब फिर आप पिस्ता डालें, बादाम डालें, किशमिश डालें, आपका हलवा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए. शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी. बहुत बहुत मेरे भी आपका ऐसे ही और मजीद ऐसी तरह हमें नए नए मशवरे जी इंशाल्लाह ताला. प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे. बहुत मेहरबानी आपकी कामयाबियों के लिए दुआ करूं. हां जी, थैंक यू वेरी मच. कहां से बात कर रहे थे आप? जी मैं स्कॉटलैंड से बात कर रहा था. स्कॉटलैंड से बात कर रहे थे जी. आपने जी वहां पे तो सर्दी थोड़ी बहुत होगी, हलवा जरूर बनाना है. ठीक है जी, जरूर बना. फिर मुझे बताइएगा अगर गलत. जी आपको थैंक यू जी अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. That's good. जी. मुझे आपसे वो जो आप लाहौरी रोटी जो कुलचा जी, कुलचा भी बताई थी. हाँ जी, वो बता दो. जी हाँ, वो क्या आप पकाकर हमें दिखा सकते हैं कि वो कैसे बनती है? ठीक है. जब मैंने बनाई थी तो वो ठीक नहीं आई. ठीक नहीं बनी थी? नहीं. आपका नाम क्या है? और मैंने वो तवे पे यूज की थी और ग्रिल में, और वो कुछ अच्छी नहीं बनी थी मेरे से. अच्छा, आपसे अच्छी नहीं बनी. और आप मेरा नाम पूछ रहे हैं तो मेरा नाम शिनाज है. शिनाज जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं लंदन हीथरो से. लंदन हीथरो से बात कर रही हैं? तो वहाँ पे बड़ी हवाई जहाजों की बड़ी खुश वो आती होगी, क्या कहते हैं, शोर शराबा होता अगर हीथरो के पास रह रही है तो. थोड़ा बहुत अच्छा. मैं कहने लगी थी अपने प्रोग्राम के हिसाब से वैसी बातें कर कि आपको हवाई जहाजों की बड़ी खुशबू आती होगी, बजाय ये कहना था कि शोर आता होगा, खुशबू आई थी. तो आपने वो क्या बना था? सख्त हो गया था वो जी? आपने जो मैदा था उसके अंदर दूध डाला था? वो प्लेन फ्लावर मैंने लिया था. प्लेन फ्लावर आपने लेना है, उसके अंदर एक दूध भी डाला था और पानी भी पानी डाला. जो कुछ कहा था मैंने वो डाला. अंडा डाला? हाँ जी. मगर वो घी डाला था? अच्छी नहीं बनी. घी डाला था भी वो मजेदार नहीं था. आए अल्लाह, क्यों नहीं बनी? और एक और चीज अगर आप मुझे बता सकते हैं प्रोग्राम पर. जी जी. जो रोस्ट चिकन जिसके ऊपर मुर्गा मसल्लम मसाला सा होता है. हाँ जी, अगर वो मुझे बताए वो कैसे. मैं शनाजी, आपका मतलब मुर्गे मुसल्लम के तंदूरी रोस्ट चिकन? तंदूरी रोस्ट चिकन बता दूं फटाफट जल्दी जल्दी. आपने तो उस अवन में बनानी है कि अवन में? अच्छा, आप पूरा मुर्ग लेंगी कि उसके चार चार पीसेस वाला लेंगी? पूरा मुर्ग. पूरा मुर्ग ले लिए, ठीक है. अच्छा, अब आप पहले दही लें, ठीक है. उसके लिए आपको कुकिंग ऑयल का एक वो जो एक पूरे डिब्बे वाला दही होता है ना, जो एक प्रॉपर एक मैंने करे तो मैं फूल रख दूं और फिर आप मुझे बता. चले हाँ जी, मैं बता देती हूँ. बिल्कुल आपके आपके लिए बैठे हैं, आपके खाने पकाने के लिए मैं इधर हाजिर हुई हूँ. तो आपको एक अब मैं एक तंदूरी मुर्ग भी बना देती हूँ. दही लें, उसको आपने डालना है बाउल के अंदर. उसके बाद आपने उसमें जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर के दो दो चम्मच डालने हैं, सुरख मिर्ची के दो चम्मच डालने हैं, गर्म मसाले के दो चम्मच डालने हैं. उसके बाद आपने बाजार से खरीदा हुआ तंदूरी मसाला, जो किसी भी कंपनी का हो वो तंदूरी मसाला डालना है. और उसके नमक नाजरीन आपने दो से ढाई चम्मच डालने हैं. नमक थोड़ा सा तेज़ ही होना चाहिए, उसके अंदर जाते जाते नमक जो है वो कम हो जाता है. तो ये सारा मसाला जो है आपने दही में इसको खूब मिलाना है. तंदूरी मसाला जो होता है उसमें सुरख रंग का कोई पाउडर सा भी उन्होंने डाला होता है, तो वो भी आप सुरख रंग का कोई पाउडर सा भी उन्होंने डाला होता है. तो जल्दी में पूछा तो मैंने तंदूरी मसाला जो है वो ज़रूर आप उसके अंदर डालें. और अब आप एक फोक लेके वो पूरा जो मुर्गा है उसके अंदर डालें और उसको अच्छी तरह से उसको पंच करना शुरू कर दें, ठीक है. उसको अच्छी तरह से लगा के तो फिर आपने अवन में उसको जो आपकी ट्रे है उसके अंदर रखें, उसके अब उसको अवन में रख देना. कोई 15-20 आपने उसको अवन में रख देना. कोई 15-20 या ज़्यादा से 30 मिनट के बाद आप मुर्गी को देखेंगी तो मुर्गा या मुर्गी जो भी है उसको उलट पलट करें, आप देखेंगे उसमें से पानी है. पानी आप हल्के से निकाल दें. निकालने के बाद आपने फिर उसको बस कर लेना है, तो आपका मुर्ग तैयार हो जाएगा. और अगर आप एक और मज़े की बात करें तो आलू जो होते हैं उनको एक और मज़े की बात करें तो आलू जो होते हैं साइडों में लगा दें, तो वो उस मसाले में जो आलू मज़े के बनते हैं उनका तो जवाब नहीं. आलू भी साथ बनाएं, मुर्ग भी बनाएं. इतनी सी रेसिपी है. आपने उसमें गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, सारा पाउडर डालना है. कोई वो जो है फ्रेश चीज़ नहीं डालनी है. उसकी जो रेसिपी है वो अलहदा है. ये जो उसकी जो रेसिपी है वो अलहदा है. ये है पूरा मुर्ग लिया, दही लिया, दही में आपने नमक डाला, दो सुरख मिर्ची डाली,
जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, तंदूरी जो है मसाला वो डाला, और गरम मसाला डाला और नमक डाला और गरम मसाला डाला और बन गया। तो उसको जो मुर्गा है उसके अंदर खूब अच्छी तरह से डाले। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने अंडों का शाही हलवा बनाना बताया था। हाँ, आपने अंडों का शाही हलवा बनाना बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो घी है उसके छह चम्मच आप ले लें। हाँ, छः चम्मच ले लें, छः ले लें क्योंकि अगर घी ज़्यादा भी होगा ना तो वो आप बाद में उसको ले लें, क्योंकि अगर घी ज़्यादा भी होगा ना तो वो आप बाद में लेनी है, ठीक है। लेकिन सारी मत डालिएगा, आप साथ में चख भी सकती हैं। अच्छा, हाँ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, आप किसी दिन सीख कबाब बताना फिर सीख कबाब मैं आपको दोबारा बता दूंगी, कोई मसला नहीं है। जैसे मेरा प्रोग्राम चलेगा ना तो मैं इनको कहूंगी कि जो मेरी पुरानी एक रेसिपी है उसको चला दे। आप कौन बात कर रही है? मैं एडमरा से अपनी उसको चला दे। आप कौन बात कर रही है? मैं एडमरा। मी जान किधर है, वो की बात कर रही है? वो आपको प्रोग्राम सुन रही है दूसरे कमरे में। अच्छा अच्छा, वो मेरा प्रोग्राम मिस नहीं करना चाहिए। अम्मी जान को मेरा बहुत बहुत सलाम। और बेटा आपकी क्या नाम बताया था? एम बताया तो नहीं था लेकिन सॉरी, अभी आपने क्या नाम बताया था? एम बताया तो नहीं था लेकिन मुनज़ा बताया नहीं था लेकिन मुनज़ा जी, वही मैं पूछूंगी। मुनज़ा जी आपका नाम क्या है? यानी आपका नाम मुनज़ा ही है, ठीक है। मुनज़ा जी आपका नाम क्या है? यानी आपका नाम मुनज़ा ही है, ठीक है। चाहिए और अम्मी से कोई अच्छे से टिप भी पूछ के मुझे बताए कि इतनी दूर से फ़ोन किया तो कोई थोड़ी सी हमारी भी हेल्प हो जाए। अगर वो मुझे बताना चाहती हैं कोई अच्छी सी बात, कोई अच्छा सा टिप, कोई लंबे बालों के लिए, कोई घने बालों के लिए, कोई ब्यूटी के लिए, जैसे जैसे अभी एक बहन ने हाथों के लिए बताया, तो अगर कोई ऐसी बात हो और कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी तो नहीं फिर शायद, लेकिन ये पूछ रही थी कि आपकी जो किताब बननी है वो प्रोग्राम चल रहा होगा, जब ये मेरा प्रोग्राम चलेगा तो इसके लिए इंशाल्लाह ताला डीवीडी भी बन रही है, बुक भी छपेगी। अच्छा। तो उसके लिए इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। फिलहाल आप ऐसा करें कि आप मेरे कुछ मेरा प्रोग्राम, वैसे भी ये वेक्टन वाले वीक में काफ़ी दफ़ा चला रहे हैं, अगर आप प्रोग्राम को चेक करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि जो है वो मेरा रिपीट भी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं लोगों भी फोन आते हैं कि स्नोबर की फ्लान रेसिपी बता दे, तो ये लोग बता देते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं ये। अच्छा। वेरी वेरी नाइस। वो क्या कहते हैं बता देते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं ये। अच्छा। वेरी वेरी नाइस। वो क्या कहते हैं? और ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा। कॉल करने का बहुत। अस्सलाम वालेकुम तो नहीं हो गई जी? मेरा ख्याल है वो दूसरी कॉल जो है वो मुझसे नाराज हो गए हैं या चले गए हैं। प्लीज़ वापस आए, मैं फ़ौरन आपकी कॉल अटेंड करूँगी, क्योंकि और बातें अगर चटपटी हो तो और भी मज़ा आ जाता है, चटपटे खाने, चटपटी बातें, तो उसका तो मज़ा ही कुछ और रहता है। अच्छा नाज़रीन में तो उसका तो मज़ा ही कुछ और रहता है। अच्छा, तभी मैंने की थी तो आपको अक्सर शिकायत होती है कि आपके जो बाल हैं वो बड़े खुश्क हो गए हैं या गिरने शुरू हो गए हैं या लंबे होने बंद हो गए हैं इसकी जो अहमियत है आप गंजे लोगों से पूछें कि उनको उनके लिए कि दुनिया में तो अगर आपके पास खूबसूरत घने लंबे बाल हैं तो इनकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करें। अब मैं आपको बालों की जो महसूस करें कि आपके बाल सही नहीं हैं, आपको गिरने शुरू हो गए हैं या ड्राई हो गए, सबसे पहले आप अपने बालों को पकड़ें, एंड पे ले जाके देखें कि आपके बालों के कहीं दो तो बालों की थोड़ी थोड़ी जो ट्रिमिंग है वो बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं भी निकल रहे तो कम से कम 3 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद आप बालों को नीचे से काटें। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पौधे बढ़ते हैं तो आप उनको ट्रिम करते हैं तो वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ते हैं। और एक मैं आप मज़े की बात बताऊं कि बाल हमेशा जो हैं वो बसंत के महीने में, यानी कि फेब्रुअरी जो हैं वो बसंत के महीने में, यानी कि नए फूल खिलते हैं। इसी तरह आप नोट कीजिएगा कि आपके बाल भी ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा घने, ज़्यादा फ्रेश और और मैंने नोट भी करवाई है। अगर आप लोग देखेंगे मुझे बताइएगा, अब जो मौसम आएगा मौसम बहार, तो उसमें आपके बालों को कितनी ज़्यादा जो है। तो नाज़रीन हमेशा याद रखें, अपने बालों की कोनों को हमेशा देखा करें, अगर उसमें दो बाल आ रहे हैं जो उसके दो कोने निकल रहे हैं तो ज़रूर ट्रिम करें। और मेरी प्यारी बहनों